मेरा नाम आकाश। अच्छा, आप सिर्फ हनुमान जी की झांकी करते हैं या कुछ और भी करते हैं? अभी तो मैं फिलहाल हनुमान जी की झांकी ही करता हूँ। चार चार साल हो गए होंगे। वैसे तो मैं शंकर जी की झांकी भी कर लेता हूँ, कृष्ण जी भी कर लेता हूँ, सुदामा जी भी बनाऊँ कई बार। तो मतलब अभी फिलहाल जो है वो मेरा हनुमान जी का ही है। तो इसमें आपको कितना पैसा मिलता है एक झांकी करने का? करीबन पर प्रोग्राम के मैं हम लोगों को से एक प्रोग्राम किया तो 1100, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे 1500 2100। अभी हनुमान जयंती आ रही है बाबा की, हनुमान जयंती 31 मार्च की हनुमान जयंती है, तो उसमें मेरी पंचमुखी हनुमान जी की झांकी और उड़ने वाले हनुमान जी की झांकी भी मैं करता हूँ और सिंपल हनुमान जी भी करता हूँ। तो उसमें मतलब अगर अगर मैंने उड़ने वाले हनुमान जी की झांकी करी है तो 3100 5100, और अगर सिंपल करी है तो 2100 2500, ऐसे इस टाइप का रहता है हम लोगों का। कभी कभार होता है कि हम लोग प्रोग्राम पे जाते हैं तो मतलब कोई बच्चा आता है तो हम लोगों की पूंछ खींच के चले आता है हनुमान जी की, कभी कोई विग पे हाथ लगाता है, कभी कोई बाजूबंद होते हैं हम लोगों के उस पे हाथ लगाता है, तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन फिर बच्चे लोगों को कुछ बोला नहीं जाता, इसलिए कुछ बड़े लोग होते हैं तो उनको प्यार से समझा देते हैं, भैया नहीं ये सब मत करो, ये गलत बात है ये सब। इसलिए कौन है आपके गुरुजी? मेरे गुरुजी का नाम विक्की हनुमान जी है, उनका नाम वो भी हनुमान जी करते हैं, मैं उनको देख के ही ये सब काम मैंने जो अपना स्टार्ट किया। अच्छा, तो दिल्ली के अलावा और कहाँ कहाँ घूमे जागरण की वजह से या झांकियों की वजह से आप? बाबा के आशीर्वाद से मैं अभी लखविंदर सिंह लखा जी के साथ भी गया था प्रोग्राम करने बाहर। बोलिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज अहमदाबाद भी मैं 4-5 बार जा चुका हूँ। बहुत सारी जगह हैं। अभी देखो अगले महीने हम लोगों का शायद मुंबई का टूर बन रहा है, और अभी फिलहाल अभी 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 होकर आया था, 2-3 3 3 महीने करीब पहले अभी मैं होकर आया था जयपुर, राजस्थान भी होकर आया। बहुत सारी जगह जाने को मिलता है बाबा के आशीर्वाद से, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है बाबा की सेवा करना।
क्या तेरे मन में भी राम बसते हैं? अच्छा, बजरंग बली हनुमान ने अपना सीना फाड़ कर दिखा, बोले दे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हनुमान जयंती है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय में तो आपके हर हमेशा मिलते हैं हनुमान, लेकिन हमारे स्टूडियो में भी आज मुलाकात हुई। हनुमान जी है पिछले 9 साल से, हनुमान जी ये बता रहे थे हनुमान जी मुझे कि मैं 9 साल से हनुमान जी हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो हनुमान जी कुछ बोलो ना। अरे वो डायलॉग जो बोलना था आपने, अरे वो होता है, क्या पता है हमारे साथ बने रहना, कड़क लौंडों का सच बताएंगे आज हनुमान जी। हनुमान जी एक ये भी और गदा लेकर, मैंने बिल्कुल सुन में रहा है, मैं बिल्कुल हनुमान जी ये रियलिटी है। उन्होंने मुझे बोला आप मुंबई आइए अपने खर्चे पे। सही बोल रहे हैं, आपको पसंद आया इसका? हाँ जी भैया, तेरा तो बेड़ा पार हो गया। हनुमान जी पवन पुत्र, हनुमान जी जय जय हो। हमारे साथ हनुमान जी जुड़ गए हैं। सुबह से कहाँ थे आप? सुबह से मैंने अभी 4 प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, और उसके बाद 5वां प्रोग्राम आपका है, और उसके बाद मुझे अभी आगे भी जाना है, रात को भी प्रोग्राम है। और नवरात्रों में जो है क्या नाम है, मैंने सुबह 8-8 बजे घर पे गया हूँ। तो हनुमान जी मतलब आपके परफॉर्मेंसेस बराबर चल रहे हैं, प्रोग्राम भाई चलते रहते हैं, प्रोग्राम दिल्ली वालों के शो पे है नहीं, इसकी नहीं रहती, इनके अपने मन के कार्यक्रम होते हैं, अपने मन से जाते हैं, मन में शक्ति तन में शक्ति। हनुमान जी, हनुमान जी जाने से याद आया, तो आप ऐसे ही मतलब वस्त्र ग्रहण करके वेशभूषा में ट्रैवल करते हो आप? नहीं नहीं, ये सब मतलब ड्रेसअप होता है, और ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है, मुकुट वगैरह। तो ये इनका असली नाम बता दे एक बार, क्या है आपका असली नाम? मुझे पता चला था। हनुमान जी आप ही बताओ। आप बताओ। अक्कू नाम है। अक्कू नाम है, अक्कू भाई। पिछले 9 साल से हनुमान जी बनते हैं और हर जगह पूरी दिल्ली में झूमते हैं, नाचते हैं। तो भाई जैसे ही आप इस गेटअप में आ जाते हो, सॉरी हनुमान जी, जैसे ही आप इस गेटअप में आ जाते हैं तो लोग आते हैं बराबर चरण स्पर्श करने। हाँ जी, बहुत सारे लोग आते हैं, लोग चरण स्पर्श करते हैं। मंगल को जग में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, बोलो जय।